दोस्तों जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI इसका निर्माण करेगा। इसके साथ ही इंटरचेंज से एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग तक 750 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसकी भी तैयारी चल रही है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इसके लिए इंटरचेंज बनाए जाएंगे। यह इंटरचेंज 32.5 किलोमीटर नोएडा से आगरा बनाया जाएगा। इंटरचेंज में 2 उतार और 2 चढ़ाव बनाए जाएंगे। यमुना प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक इन सारे इंटरचेंज और एलिवेटेड रोड का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से करवाएगा। इसके लिए यमुना प्राधिकरण और NHAI में बातचीत हो गई है। इसके निर्माण में करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंटरचेंज का डिजाइन तैयार हो गया है। यमुना प्राधिकरण जल्द ही इसके निर्माण के लिए NHAI को पत्र जारी करेगा। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इंटरचेंज से लेकर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग तक की दूरी 750 मीटर से अधिक है। यमुना प्राधिकरण इंटरचेंज से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग तक एलिवेटेड रोड बनाएगा। इस रोड का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ही बनवाएगा। आपको बता दें कि 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 8 रनवे के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। वर्ष 2024 तक पहले चरण में 2 रनवे का निर्माण हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के सभी 4 चरणों का विकास करने में करीब 30 वर्ष का समय लगेगा। एयरपोर्ट की DPR के मुताबिक इसका पूर्ण रूप से विकास वर्ष 2050 तक किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।